हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब इसका सोनू सूद है। तो अभिनेता सोनू सूद को देश का मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोनू सूद बच्चों को गाइड करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए पिछले साल देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने आगे आकर लोगों की मदद की थी। सोनू सूद ने पीड़ितों के जो लोग थे उनको लॉकडाउन में उनके घर पहुंचाने और उनका खाना देने, ट्रेन और बसों में टिकटों का इंतज़ाम करने की पूरी जो योजना बनाई, उसके बाद उस पर जो है उसका पालन भी किया और लोगों की बहुत मदद करी, जिसके बाद सोनू सूद का काफ़ी नाम हुआ। और वैसे भी पहले हम सभी जानते हैं अभिनेता के तौर पर जानते थे, लेकिन एक सोशल वर्कर के तौर पर वो जो है उभर के आए और अब जो है एक जो है देश के मेंटोर अभियान का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो है वो प्रभार दिया गया है? सही जवाब ऑप्शन सी पंजाब। तो आपको बता दें तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, उनको अब पंजाब की जिम्मेदारी भी दी गई है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। बयान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया है। ओडिशा सरकार द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही जवाब ऑप्शन ए अमित रोहिदास। तो भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर अमित रोहिदास को खेलों में शानदार उनका परफॉर्मेंस के लिए प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के रोहिदास को राज्य के खेल एवं युवा सेवा मंत्री टीके बेहड़ा ने पुरस्कार दिया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और 2,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने यह कहा कि कुश्ती खेल को गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की उम्मीद है। WFI के शीर्ष अधिकारी ने यह कहा कि उन्होंने ओडिशा सरकार की हॉकी खेल को समर्थन देने के कदम से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से अपने खेल के लिए इसी तरह की मदद के लिए गुजारिश की है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 29 अगस्त है। सही जवाब तो 29 अगस्त को जो है खेल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दिवस का आयोजन खेलों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। मेजर ध्यानचंद का 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, भारत और कौन से देश की नौसेना 26 अगस्त 2021 से जो है अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास उन्होंने किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है जर्मनी, ऑप्शन डी। तो भारत और जर्मनी की जो नौसेनाएं हैं
उन्होंने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ एडन में जो है एक संयुक्त अभ्यास किया। संयुक्त अभ्यास में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ साथ खोज और जब्ती अभियान शामिल थे। भारतीय नौसेना के फ्रिगेट त्रिकंद और बायर्न नामक जर्मन फ्रिगेट के साथ अभ्यास किया उन्होंने, और INS त्रिकंद को अदन की खाड़ी में जो है समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए तैनात किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले दिसंबर 2020 में भारत की पहली विकसित स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल को लॉन्च किया गया था। ये न्यूमोकोकल रोग से सुरक्षा प्रदान करती है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को न्यूमोकोकल रोग से बचा सकती है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सवाल है, DGCA ने कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं 10 अक्टूबर, 30 सितंबर, 15 नवंबर या फिर 20 दिसंबर। अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और देखते रहें जागरणजोश.com।